तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा राजी एंड एंशिएंट एपिक का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने भाई एक स्वॉर्ड मिल गई थी जो कि ये रही, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट साइड, आगे जाना है हमें, तो आगे चलते हैं, आगे क्या होने वाला है देखते हैं। बाकी भाई ये स्वॉर्ड मेरे को काफी अच्छी लगी है, वो मैंने पिछली बार दिखा दिया था, बट भाई ये एक भाई ये स्वॉर्ड बहुत ओवर पावर्ड है। हल्के में ले लिया है क्या? तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। भाई ये बहुत खतरनाक स्वॉर्ड लग रही है मेरे को, बहुत खतरनाक है भाई ये, बहुत खतरनाक है भाई ये, बाकी सबसे बहुत खतरनाक है। तो बड़बड़ आगे चलते हैं। ओके, तो मेरे को आगे जाना है, बट मैं थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ नीचे ऊपर जाने से पहले कि आगे क्या है। इसलिए आगे पीछे देख के चलना चाहिए यार, आगे पीछे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो अपन फटाफट चलते हैं इसमें, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को और गेम को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वेट ना करें, ज़्यादा खत्म है ना, ठीक है। मज़ा बड़ा आया खेलने में, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ भाई गेम खेलना ज़रूर, मतलब जो जो पीसी पे है ना भाई गेम खेलना ज़रूर, ठीक है। और अगर जिसके पास फाइल नहीं है तो भाई मेरे को कमेंट में या मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके मेरे को DM कर दो, मैं फाइल दे दूंगा, खेल लेना, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, जिस जिसको मतलब मैं भाई फुल्ली रिकमेंड कर रहा हूँ भाई गेम खेलना जरूर भाई, बहुत सही गेम है सीरियसली। अगर तुम इंडियन रीजन का कोई गेम खेलना चाहते हो, इंडियन बेस्ड कोई गेम खेलना चाहते हो, तो भाई ये बहुत अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है सीरियसली, बहुत अच्छा है। बट पेड है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी को क्रैक वर्जन चाहिए तो भाई मेरे को DM कर दो, डिस्कॉर्ड पे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो कमेंट में बता दो, मैं मेल कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके, यहाँ पे एक पजल है, सॉल्व करते हैं फटाफट। माँ, क्या ये आप हैं? ओह माँ, ओके, मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, अपन लेफ्ट साइड चलते हैं फटाफट। तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। ओ नहीं, मेरे साथ भगवान है, आपकी कृपा है भगवान विष्णु, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। ओ भाई। राजी, तुम इससे बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है लेकिन इस पर रंदा का कब्जा है, मुझे उम्मीद है कि राजी तैयार है। रंदा का कब्जा है, आगे कोई रास्ता नहीं दिख नहीं रहा भाई अच्छे से, इसलिए मैं सोचा, मुझे लगा आगे कोई रास्ता है बट नहीं है भाई, कोई यहाँ से जाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाया जा रहा है, पानी में परछाई। क्या वो गोलू था?
शायद नहीं। गोलू गोलू वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? ओके ये भाई खत्म हो, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे भाई मेरे को दिक्कत देगा, बट इतनी दिक्कत हुई नहीं भाई, अपन कर लेते हैं भाई। लगा ही था यहाँ पे कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले तलवार निकाल ली भाई, लगा ही था यहाँ पे कुछ होगा, इतनी खाली जगह थी। मेरे साथ माँ दुर्गा है। ओ लो चलो भाई फटफट आगे चलते हैं। ये छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है, ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? ओहो तेरे गुस्सा भी आता है, अरे मैं तो डर गया तेरे उससे देख के। लेफ्ट साइड गेट खुला है, खुला है बट मेरे को पहले मे भी आगे जाना चाहिए। आगे क्या है, आगे देख के आते हैं। अरे नहीं ये ले, दिमाग खराब कर दिया भाई, दूर से मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई। क्या मैं कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ? नहीं फिलहाल तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पीछे वाले रास्ते पे जाना चाहिए या सीधा आगे वाले रास्ते पे जाना चाहिए, मेरे को ही नहीं पता भाई मेरे को किस रास्ते से जाना चाहिए। अब ये बहुत दूर नहीं है लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु, लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा। पहले हम लेफ्ट साइड जाके देख लेते हैं क्योंकि आगे तो रास्ता है, पूरा पूरा रास्ता है। ओके यहाँ पे क्या है? जय माँ। ओके यहाँ पे माँ की वो है मूर्ति, तो ये मैं जो पहले ले लेनी किए थी ना, इतनी लेट क्यों हुआ हमें? कुछ तो खतरनाक होने वाला लग रहा है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। ये भी शायद एक अभी देख, अभी तो वो नहीं आएगा, वो एकदम एंड एपिसोड में आएगा, वो मेरे को नहीं पता ये ही एंड है या इसके आगे एंड है या उसको कोई चलाएगा, देखते हैं। लेकिन वो मेन वाला फ्लोर नहीं आएगा अभी, ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है अभी स्टोरी बाकी है, बाकी पता नहीं भाई क्या पता यही एंड हो। मैं तुमसे नहीं डरती। ओ ओ ओ, ओ। भी शायद विष्णु जी की मूर्ति है। बट ये खुलेगा कैसे? शायद मेरे को चढ़ के जाना ऊपर। मेरे को ऊपर चढ़ के जाना है क्या? लगता है मेरे को ऐसा ही राजा मेरे को चढ़ के जाना है। Thank you.
अरे नहीं नहीं साइड में लिफ्ट है, लिफ्ट है, हमें ये जो लिफ्ट तो नहीं है लेकिन जो इसका नाम है मैं तो लिफ्ट बोलूँगा भाई। मैं भी शायद शिवजी की लग रही है मेरे को। देखते हैं पता लगेगा अभी। अरे थोड़ा सा और ऊपर जाना था। तो अभी मेरे को यहाँ से जाना है। चलो जूम इन करके रखूँ जूम आउट करके रखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जूम इन में मेरे को अच्छा व्यू मिल रहा है, जूम आउट में मेरे को अच्छा व्यू मिल रहा है, आई मीन पूरा व्यू तो दोनों ही मिल रहा है, बट कौन सा वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है मैं बड़ा कन्फ्यूज। मैं हर चीज़ में कन्फ्यूज रहता हूँ, बड़ा कन्फ्यूज बंदा भाई। अब उसे प्रकाश स्तंभ जलाना चाहिए। ऊपर जाओ राजी, ऊपर जाओ प्रकाश स्तंभ, ऊपर आग जलाओ, तैयार रहो क्योंकि ये आग रंगदा सहन नहीं कर सकती। अच्छा ये जलाना है, रंगदा सहन नहीं कर सकती। दुष्ट का असली चेहरा दिख गया। तैयार रहो राजी, तलवार ढाल और दिल। अबे ऊपर चचा, मतलब रंगदार लड़की है क्या, सह नहीं पाएगी या लड़का है, मतलब मेल असुर है कि फीमेल असुर है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। देखते हैं आगे, शायद मेरे को फाइट हो, फाइट होगी मेरे को लग रहा है यहाँ पे मुझसे फाइट होगी। ये प्रकाश स्तंभ जलाने की कोशिश किसने, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी मानव। फीमेल है। ओ ओ भाई मेरा भाई लौटा है चुड़ैल। ओ भाई तुमने अपनी तकलीफ और बढ़ा ली है मानव। अरे भाई अच्छा मुझे सिर्फ इनके इसके हाथों में मारना है, मैं इसके इसको नहीं मार सकता, मुझे इसके सिर्फ हाथों में मारना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे और अपना सिर झुका, ओके मैंने इसकी एक उंगली काट दी। मतलब इस मेरे पास शील है ना, मेरे पास ये फायदा है तो इसके अटैक मेरे को ज्यादा स्ट्रेस कर नहीं पा रहे। बट ये वाला तो तुमने किसने ऐसे हथियार दिए हैं? मुझे लगता है विष्णु ने हमेशा बीच में आता है। ओ पड़ गई, पड़ गई। मैं तुम्हें मार दूंगी असुर। एक और काटी। मतलब मेरे को जूम करके खेलना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी उंगलियां काटनी है, उंगलियां काटनी है इसकी, उंगलियों में कुछ है नहीं है। ओ भाई अड़ी। अबे मेरी मूवमेंट स्लो हो जाती है इसके आते ही, जैसे ही मारते हैं मेरे मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं भाई बहुत। तो तुम्हें किसने ऐसे हथियार दिए हैं? मुझे लगता है विष्णु ने हमेशा बीच में आता है। बड़ी भाई भगवान विष्णु मेरी ढाल है और माँ दुर्गा मेरी संतान।
एक और कंटी भाई। ओ भाई ये वाली पड़ेगी भाई, ये मेरे को ना मार दे। तुमने अपनी तकलीफ और बढ़ा ली है माधव। अबे भाई फिर तू से काम नहीं चलने, आई मीन इससे काम नहीं चलने वाला दोनों से, फिर तू लिया यही चलाना पड़ेगा मेरे को स्क्वाड। ओ ये क्या है, अब क्यों और खतरनाक वाला है भाई। मैं तुम्हारे दिल और फेफड़ों का रस निकाल दूंगी छोटी मानव। अरे बस्कर मेरे सामने इतनी देर टिक पाते, तुम कौन हो? हम पहले आ चुके। एक और कटी। मैं तुम्हें एक बार हरा चुकी हूँ और मैं फिर से ऐसा ही करूंगी। एक बार हरा चुकी है मतलब ऐसा क्या भाई, कब हराया भाई? मैं नहीं हरा। अबे कितना अटैक मार दिया भाई ये। मैं तुम्हारी हड्डियों से मांस नोच लूंगी। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। एक और खटी। ओ भाई कितना मतलब कितने लेट मार दिया भाई, कितनी लेट मार दिया। अरे मेरी शील्ड तोड़ देती है भाई ये, मैं एक बार अपनी शील्ड यूज कर सकता हूँ। अभी यूज कर दिए, अब नहीं करता हूँ। मरो जीव, तुम्हारा समय खत्म हुआ। अरे हाथ नीचे रख ले। हाँ ऐसे रख, बस यही रखियो। मुझे इसके पास जाना चाहिए। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। बस एक बची है भाई, बस एक, बस एक, बस एक। अरे भाई क्या पड़ी भाई, अरे और फेफड़ों का रस निकाल छोटी मानव। मरो जीव, तुम्हारा समय खत्म हुआ। अबे यार सील तोड़ देती है।
अब नहीं है मेरी सील लगी आएगी थोड़ी देर में। कट गई। कैसे? ये कैसे? कैसे हो सकता है? ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मर गई क्या? और वो जीत गई। आपने कहा था ऐसा ही होगा दुर्गा, और अब तक कई जिंदगियां रंगदा के लालच का शिकार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रंगदा कभी भी चालाक जीव नहीं थी। अब राजी को रंगदा के पीछे जो साजिश करने वाला है उसका सामना करना चाहिए। वो महाबलासुर के सामने कैसे लड़ पाएगी जिसके पास उसका भाई है? ओ भाई, तो भाई अभी मतलब बहुत लंबी दूरी हो रही है, तो इसे देखने का इसका एंड करते हैं, इसमें क्या होने वाला है। राजी ये वही मोहर है जो मुझसे शुरू से दिख रहा था यहाँ पे आने के बाद। रहस्यवादी संदेशवाहक थक चुका था। उसने राजी को उसकी भूमि में जो है उसको लेकर चेतावनी दी। एक विजेता आया, साथ में असुर, मौत और दुख लाया। भाई कुछ आगे बहुत खतरनाक लग रहा है। लेकिन उसके पास गोलू तक पहुंचने का बस यही रास्ता था। उन्हें तेजी से चलना होगा। भाई ये कुछ अलग लेवल का सुरा भाई। ओके यहाँ पे ये मोर हमें लेके जा रहा है भाई। भाई कितना ये मतलब भाई जो ब्यूटी है ना भाई इसकी अलग लेवल भाई। वाइट बहुत सही भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही। चांद पे जा रहे हैं पर असुरों की सेना राजी को रहस्यवादियों की धरती पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। रहस्यवादी अबे अबे उसको ले गया। अबे जो ले जा रहे थे उसी को फेंक दिया। वो बुरी तरह घायल था। राजी को खुद ही आगे बढ़ना होगा। ओ भाई जो तुम कर सकते थे तुमने किया, अब आराम करो और सुरक्षित रहो। और हम जाएंगे आगे। तो हमें आगे जाना है और यहाँ से जाना है। तो भाई आगे का एडवेंचर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई कैसी लग रही है स्टोरी एक बार कमेंट में बता दो, एंड भाई लाइक कर दो वीडियो को अच्छा लग रही है तो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि भाई ऐसे गेम्स और इसके आगे के पार्ट्स भाई आते रहेंगे।
एंड डे बाय डे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। एंड भाई कमेंट कर दो एक बार, ठीक है, और कुछ रिकमेंडेशंस या सजेशंस, ठीक है, वो भी कमेंट कर दो। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आराम से भाई चल जाए, मजे वगैरह करते हैं भाई, बाकी गेम से खेलते हैं। एंड सी यू, बाय भाई, जय श्री राम।